सोलन में किसान आंदोलन के समर्थन में रैली निकाली गई, जिसमें युवाओं और सोलन के किसानों ने भाग लिया। इस रैली में जिला परिषद सदस्य किसान नेता मनोज वर्मा ने ऐलान भी किया कि कुछ किसानों का समूह आज दिल्ली के लिए रवाना भी हो चुका है, जो दिल्ली जाकर आंदोलन का हिस्सा बनकर किसानों की आवाज को बुलंद करेगा। ये बात सोलन में भाजपा नेताओं को रास नहीं आ रही है। उन्होंने इस रैली पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ युवा किसान बनकर हिमाचल वासियों में भ्रम फैलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल का किसान भाजपा के साथ है और सरकार की नीतियों से बेहद खुश है। खादी ग्राम बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया और भाजपा किसान मोर्चा के जिला प्रवक्ता स्वरूप ठाकुर ने कहा कि वामपंथी दल और विपक्ष मिलकर किसानों की आड़ में देश विरोधी वातावरण बनाने का प्रयास कर रहा है, जिसमें आज उनके द्वारा रैली भी सोलन शहर में निकाली गई, लेकिन वे दावे से कह रहे हैं कि उसमें सोलन और शिमला का एक भी किसान शामिल नहीं था। राजनीतिक षड्यंत्र के चलते कुछ राजनीतिक दल अपने प्रतिनिधियों को ही किसान बताकर रैली निकालते नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश का किसान बेहद समझदार है और भाजपा की नीतियों से बेहद संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि हिमाचल का किसान आज अपने खेतों में व्यस्त है और वह किसी भी भ्रम जाल में फंसने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल किसानों की आड़ लेकर सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वह अपने मंसूबों में कामयाब होने वाला नहीं है। मैं तो आपके माध्यम से एक बात करना चाहता हूँ कि ये देश का दुर्भाग्य है कि किसानों के हित के लिए कोई कानून बने हैं और उसमें किसान उसका लाभ ना उठा जाएं, इसके लिए कुछ ताकतें पुरजोर ढंग से उसको मैनेज करने में लगी हैं। जहाँ तक यहाँ से किसान दिल्ली जाने का संबंध है, हिमाचल प्रदेश का किसान बहुत समझदार है और किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। यहाँ से कुछ राजनीतिक दल अपने प्रतिनिधि वहाँ पे किसान बनाकर भेजने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कोशिश की है, कुछ हद तक सफल भी हो जाएंगे, लेकिन हिमाचल का कोई भी किसान उस रैली में नहीं है, ना ही हिमाचल के किसान को कोई इस तरह का सरोकार है उनसे, और ये सारा इसको पोलिटिसाइज किया जा रहा है और कुछ ताकतें सामने दिख रही हैं जो इस आंदोलन में सीधे सीधे कूदी हैं और कुछ ऐसी ताकतें हैं जो सामने नहीं दिख रही हैं लेकिन पीठ के पीछे से वो सारा मैनेजमेंट कर रही हैं और सरेआम देश विरोधी वहाँ पे जो वातावरण बनाया जा रहा है, तो ये ना ही देश हित में है, ना ही किसान के हित में है, ना ही इस देश का जो माहौल है उसको अच्छा संवारने के हित में है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, हिमाचल में इस तरह का कोई भी किसान नहीं है जो कि वहाँ पे गया है और ना ही जाने वाला है। हिमाचल का किसान आजकल खेतों में व्यस्त है, ऊपर जो अपर एरिए के किसान हैं वो तौलिए बना रहे हैं, वो प्रोनी कर रहे हैं, वो सारा कुछ उनके काम चले हैं, और नीचे वाला किसान अपने खेतों में व्यस्त है, अपने काम में मस्त है। उनको ये जो ड्रामेबाजी चल रही है इससे कोई लेना देना नहीं है। और वास्तव में यदि किसान जो समझदार किसान है, जो समझता है हर चीज़ को, यदि बिचौलियों को सरकार ने ख़त्म करने का बीच में से कानून बनाया है, तो किसान और कस्टमर दोनों के बीच में सीधी सीधी जो लाइन जुड़ी है उससे बिचौलियों को नुकसान हो रहा है और उसी की आड़ में कुछ लोग किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और हिमाचल का किसान बिल्कुल भी गुमराह होने वाला नहीं है। मैंने सुना है सोलन से कुछ गाड़ियां दिल्ली के लिए रवाना हुई हैं और उसमें कुछ वामपंथी लोग हैं, कुछ दूसरे जो भटकी हुई जो पार्टी अपने आप को यहाँ पर एस्टेब्लिश करने की हिमाचल में कोशिश कर रही है उसके कुछ बंधु हैं और उनको कहीं ना कहीं से फाइनेंस करवाया गया है और एक मैसेज देना चाहते हैं कि हिमाचल से किसान गए हैं, वास्तव में वो ना ही हिमाचल का किसान है, वामपंथियों का एजेंडा है और वामपंथियों के समकक्ष पार्टी जो कि अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाह रही है वो उनका एजेंडा है, वो अपने एजेंडे में कामयाब नहीं होंगे। जो आज किसानों की रैली जो गणतंत्र दिवस पर जो लोग मना रहे हैं उसमें कोई भी लोग किसान नहीं है, ये जो लोग देश को ख़राब करने और देश का माहौल ख़राब करने में लगे हुए हैं ऐसे लोग हैं और इनको बाहरी ताकतों का जो वो आश्रय मिल रहा है उसके दम पर ये सब लोग काम कर रहे हैं और सरकार को स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो किसान है
ये सिर्फ जो हमारी विरोधी पार्टियां हैं उनका जो षड्यंत्र है पूरी तरह से कि किसी भी अच्छे मतलब मौके पर इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाए और देश को अस्थिर करने का इनका पूरा प्रयास ये लोग कर रहे हैं। किसी भी हद तक जायज़ नहीं है इन लोगों को इस तरह का अपने देश के प्रति जो इतना बड़ा आज का फंक्शंस है गणतंत्र दिवस पर इस तरह का माहौल क्रिएट करने का कोई अधिकार नहीं है और ना ही इन लोगों को ऐसा कोई अपने देश के प्रति इस तरह की भावना रखनी चाहिए। जहां तक किसानों का सवाल है, किसानों के लिए हर एक तरह का जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है हर एक तरह का उनको उस तरह के जिस तरह के अमेंडमेंट वो चाह रहे हैं उस तरह का प्रयास कर रही है सरकार। हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी बार बार टीवी चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से जो भी किसान चाहता है जिस तरह की अमेंडमेंट चाहता है उस तरह की हम पूरी अमेंडमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं और उस किसानों के लिए जो उनकी अच्छाई के लिए उनकी भलाई के लिए जो भी निर्णय होगा वो पूरी तरह से हमारी जो केंद्र सरकार है करने का प्रयास कर रही है।